channel. How are you all? So guys, अगर आप मेरी JL Audio की सबवूफर की सीरीज फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा that I'll be making a fourth order band pass क्योंकि एक स्टैंडअलोन वीडियो जस्ट इस वीडियो से पहले ही वीडियो हम लोगों ने इस पर डिजाइनिंग की थी एंड अनबॉक्सिंग के टाइम भी मैंने आप लोगों को बताया था. एंड गाइस, सारा कुछ इस पेपर पे मैंने लिख लिया हुआ है, ड्रॉ कर लिया हुआ है कंप्यूटर से, जो भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज थी वो सब. एंड आप देख सकते हो कि बिल्ड ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. बोर्ड कटिंग का टाइम बड़ा ही मजा आता है गाइस मुझे. सो अगर आप लोगों ने गाइस मेरे पहले वाले बिल्ड्स देखे थे, मैं सारे इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूँ. बूम बॉक्स का भी एक और फोर्थ ऑर्डर बैंड पास भी है एंड कई सारी चीजें और हैं. सो आप देख लेना गाइस चैनल पे. सो बिल्ड कंटिन्यू किया जाए यार. Alrighty, panels have been cut. अब गाइस बारी है इसकी असेंबलिंग की. एंड गाइज, मैं आपके साथ एग्जैक्ट डिटेल्स इस पर्टिकुलर इंक्लोजर की शेयर इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि एक तो ये कस्टम इंक्लोजर है एंड जो क्लाइंट है उन्होंने कहा है कि उनको बूम नहीं चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया. सो उस हिसाब से इस JL Audio के इंक्लोजर को मैं ट्यून करने वाला हूँ. सो उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं. सो अगर मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशन दे भी दूंगा तो आपके पर्टिकुलर सबवूफर के साथ ये बहुत बेकार चलेगा या बहुत अच्छा चलेगा, सो उसकी कोई गारंटी नहीं है. सो इसी वजह से गाइस मैं आपके साथ इसकी जो एग्जैक्ट डिटेल्स है वो शेयर नहीं कर रहा, बट आपको एक क्वालिटी दिखाऊंगा एंड उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका मैं आपको टेस्ट भी दिखाने वाला हूँ. सो बने रहना वीडियो के एंड तक एंड आगे की इस वीडियो में भी बने रहना यार. Time to test fit the sub guys in the center part of this fourth order band pass and आप देख रहे हो एकदम perfectly बैठ गया है यहाँ पे. एंड guys, मैं जिप्सम स्क्रूज यहाँ पे नहीं यूज़ करता, मैं यहाँ पे बोल्ट का सिस्टम यूज़ करने वाला हूँ. उससे बेनिफिट ये रहता है कि इनकेस कभी सब ऊफर को बार बार निकालो ना तो जिप्सम से बॉडी ख़राब हो जाती है एंड वो फिर सब ऊफर वहाँ पे आप लगा ही नहीं सकते, तो वो इंक्लोजर यूजलेस हो जाता है. सो अब इससे क्या होगा, मैं बोल्ट यहाँ पे लगाने वाला हूँ लेकिन आप सोच रहे हो कि नीचे नट कैसे लगेगा. अब नट का सिस्टम गाइस जो मैं दिखाने वाला हूँ ना, आप भी सोचोगे कि यार ये चीज़ बढ़िया है. सो अभी सेंटर पार्ट हमने थोड़ा सा यहाँ पे ड्रिल आउट किया एंड उसके बाद जो ये नट्स हैं, इन नट्स को उठा के उसके अंदर डाल देना है. पहले ऑब्वियसली बात है सारी डस्ट क्लियर कर देनी है अंदर से, MDF डस्ट एंड ये नट अंदर फिट कर देना है एंड उसके बाद उसे फेविकॉल से सील कर देना है जिससे कि वो एकदम पक्का हो जाएगा, ज़िंदगी में नहीं निकलेगा. एंड नट के फ़ायदा ये है जितनी मर्ज़ी बार खोलो जितनी मर्ज़ी बार निकालो, है ना, परफेक्ट. टाइम टू टेक द मेजरमेंट्स फॉर द बैक डोर क्योंकि फोर्थ ऑर्डर बैंड पास में सबसे डिफिकल्ट काम ही एक डोर बनाना है क्योंकि एक साइड सील्ड एक साइड पोर्ट है, ऐसा सिस्टम होता है. बट वी केम अराउंड अ वर्क अराउंड एंड वो आपको अभी धीरे धीरे दिखाई दे जाएगा कैसे किया. बहुत ही सही है उसका एक्सपीरियंस भी.
Now let's install the speak on plug. So speak on plug लगाने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा होल करना है. तो इसकी ये बात अच्छी है, बहुत छोटा सा होल होता है. टर्मिनल कप की तरह बड़ा साइज का नहीं, बट इसमें बाहर प्लग थोड़ा सा बड़ा होता है. बट इसके बहुत बेनिफिट्स हैं यार, मजा आ गया इसको यूज करके. एंड गाइस, डोर, चेक आउट द डोर. यहाँ पे डोर भी हमारा रेडी है. अब गाइस बारी है पोर्ट की. सो पोर्ट के बारे में गाइस डिटेल मैंने एक्चुअली एक काफ़ी पहले एक बहुत ही ऑसम सा डिटेल वीडियो बनाया था कि एक नॉर्मल पाइप में फ्लेयर कैसे डालते हैं. सो वो आप देखना चाहो तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ. सो टू चेक इट आउट. Now guys, to install the LED lighting, यहाँ पे हम पहले एक kind of testing कर रहे हैं कि कैसे इसको लगाया जाए. काफ़ी सारे you know styles सोचे, but उनमें से एक को final out किया है. And अभी आप वो देखो, lines में आपको कुछ समझ नहीं आने वाला, but let's start the building procedure. Here you go guys. So straight line pattern यहाँ पे follow किया मैंने, but अभी तो बहुत कुछ इसमें और होगा, तब जाके आपको इसकी exact चीज़ पता चलेगी क्या लगने वाला है in the future. So अब speak on plug को भी ढंग से install कर देते हैं, and साथ ही साथ अपने JL audio को भी. So simple सा screw से set, wire इस पर लगा दी है. JL audio को अपने उसके प्यारे से box में से निकालते हैं बाहर, and डालते हैं उसको यहाँ center में. एंड ये wiring डाल दी हुई है heavy quality की. एंड ये डाल दिया अपना JL audio in the inside of the fourth order bandpass. एंड सारे connections done. पोर्ट को भी finalize कर दिया है कितने hertz पे उसको ट्यून कर रहा है. सो अभी इसको normal screws से यहाँ पे लगा दिया है. एंड डोर के लिए भी स्क्रूज के यहाँ पे सिस्टम रेडी कर दिया है. सो अब ये गाइस kinda complete है, लेकिन इसमें अभी बहुत ज़्यादा डिजाइनिंग में, बहुत ज़्यादा फिनिशिंग में काम होना है. सो गेट रेडी फॉर दैट इन द फ्यूचर गाइस. सो अभी यहीं तक इसकी स्टोरी रखते हैं. कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड. देयर यू हैव इट गाइस. कैसा लगा गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने जरूर बताना. आई होप यू आपने ये वाला वीडियो पूरा देखा हो. गाइस अभी भी कंप्लीट नहीं है, जस्ट द मैन्युफैक्चरिंग पार्ट ऑफ दिस थिंग इज कंप्लीट. इसके बाद गाइस आप लोगों को पता है मैं हमेशा इसकी करने वाला हूँ एक किसी भी सबवूफर या बूमबॉक्स की मैं हमेशा एक डिटेल टेस्टिंग करता हूँ टू फाइंड आउट द लीक्स एंड कोई भी बिल्ड के अंदर कोई कमी पेशी रह जाए वो सब चीज़ें. एंड अगर वो सब में ये पास हो जाएगा देन गाइस इसका डिजाइनिंग फ्रंट रहने वाला है. आप लोगों ने देखा ये डिज़ाइन तो बन चुका है इसका. यहाँ पे LEDs लगनी है. पूरा ये होने वाला है वाइन रेड कलर में इसका लेदर रैप. देन ये पोर्ट भी यहाँ पे स्क्रूज अभी जिप्सम लगे हैं, बट यहाँ पे लगने वाले स्टील के प्रॉपर कैप वाले जिससे में लुक आएगी बड़ी ज़बरदस्त. एंड ये होने वाला है ब्लैक पेंट, बहुत अच्छा लगेगा. एंड वाइट LED, वाइन रेड लेदर. सो लुक तो आप सोच ही सकते हो ना कि क्या होने वाली है. सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. एंड मिलते हैं गाइस इसकी टेस्टिंग के अंदर. आई होप यू गाइस लाइक एवरी सिंगल वीडियो दैट आई मेड फॉर दिस JL audio W3V3 4th order bandpass build. So yeah guys, हम मिलते हैं in the next video. And guys, अगर हम नए हो मेरे चैनल पे तो ऐसे builds बहुत सारे रहते हैं. कारण ऑडियो पे है, कार्स पे है, बाइक्स पे है, builds नहीं है और भी सारी चीज़ें हैं, ट्रैवल भी है, तो चेकआउट कर लेना. So yeah, bye, take care, see you guys, have lots and lots of fun guys, take care.